पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सर्पप्रिया संस्था ने अपने बहुप्रतिष्ठित प्रकल्प सीता रसोई का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ और हनुमान चालीसा पाठ के साथ प्रारंभ किया। सीता रसोई एक ऐसा प्रकल्प है जो अभावग्रस्त लोगों को निशुल्क ही आदत न डालकर एक सांकेतिक निशुल्क 5 रुपए में भरपेट सुपाच्य और स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था करेगा। कार्यक्रम में दानदाताओं के उत्साह एवं लोगों की भारी संख्या में उत्साह को देखकर प्रतीत हुआ कि सीता रसोई आने वाले समय में मुरादाबाद ही नहीं वरन अन्य क्षेत्रों में भी अपना नाम रोशन करेगी। कार्यक्रम में मुख्य यजमान सभी शर्मा एवं जूही शर्मा रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संस्था के संरक्षक नीतू सक्सेना, अशोक शर्मा, अमरीश गर्ग, अनुपेंद्र सिंह, काव्य सौरभ रस्तोगी, सुधांशु कौशिक, महामंत्री उदयभान सिंह, वित्त सचिव धीरज गुप्ता, सौरभ विश्नोई, रितु विश्नोई, कविता गुप्ता, रीतम सिंह, सुप्रीत सिंह, अनुराग भारद्वाज, अशोक गुप्ता, कपिल चौधरी के साथ और भी लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा अपनी मातृशक्ति के साथ उपस्थित रही। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्था ने सबसे वरिष्ठ रीतम सिंह के हाथों से करवाया। कार्यक्रम के पुरोहित सतीश चंद्र शास्त्री रहे। जो सर्पप्रयास संस्था है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था, वह निरंतर जो है अपनी समाज सेवा के कार्य करती रहती है, जैसे लिहाफ वितरण और जो है अभावग्रस्त बच्चे हैं उनको वस्त्र वितरण, स्टेशनरी, स्कूल की किट वितरण। इसी प्रकल्प में हमारा बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हम एक ऐसी रसोई का आयोजन करें जिसमें अभावग्रस्त लोगों को जो रेस्टोरेंट में जिस स्टैंडर्ड का खाना मिलता है उस स्टैंडर्ड का अच्छा सुपाच्य और स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हो। भोजन की तो बहुत जगह व्यवस्थाएं हैं, कुछ लोग ऐसी सेवा कर रहे हैं परंतु उन्हें उस तरीके का स्वादिष्ट भोजन नहीं मिल पाता है, सुपाच्य भोजन नहीं मिल पाता है। तो हमने ये व्यवस्था रखी है कि 5 रुपए में देकर वो भरपेट भोजन कर सकता है। आज ये सर्पप्रयास वेलफेयर सोसाइटी का मुख्य कार्यक्रम है, जो हमारा ये परमानेंट एक प्रकल्प शुरुआत की गई है सीता रसोई की, जिसमें 5 रुपए में भरपेट भोजन होगा। बहुत से ऐसे सम्मानित व्यक्ति हैं जिनको भोजन की व्यवस्था के लिए संस्था ने शुरुआत की है। आज का जो सर्पप्रयास का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो स्वाभिमान लोग हैं और वो भूखे रह जाते हैं, भूखे हो जाते हैं, ये छोटा सा मामूली से पैसे लेकर उनके भरपेट भोजन करने की व्यवस्था है। और हम ये चाहते हैं कि जो कार्यक्रम साप्ताहिक तौर पर रख रहे हैं इसे हम प्रतिदिन पे लेके आए और ये जनता के सहयोग से है, इसमें कोई सरकारी संस्थान से नहीं किया है। आईटी द्वारा सीता रसोई का ये प्रकल्प वंचित वर्गों को सहयोग करने की दृष्टि से खोला गया है और 5 रुपए में भरपेट भोजन की व्यवस्था यहाँ की जा रही है। वेलफेयर सोसाइटी के जो संस्थापक हैं उदयवान जी, सचिव धीरज गुप्ता जी, अध्यक्ष संजीव शर्मा जी, सुधांशु कौशिक जी, ये सब लोग इसको बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं। और मेरा मानना यह है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जिस प्रकार अंत्योदय की परिकल्पना कही थी उसी प्रकार से समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचने का एक प्रयास सर्पप्रयास वेलफेयर सोसाइटी का सीता रसोई के माध्यम से हो रहा है।